बी ब्लॉक में जो अगला परिवार है 14 ग्रुप 14वां समूह, उसे हम कार्बन फैमिली के नाम से, कार्बन परिवार के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक परिवार का जो पहला सदस्य होता है वो अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करता है और बाकी जो सदस्य होते हैं वो उसी तत्व के नाम से उस परिवार के आधार पर जाने जाते हैं। जैसे कार्बन परिवार, तो कार्बन परिवार में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सभी तत्व होते हैं। कार्बन अपने परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण एक तत्व होता है। प्रकृति में भी ये विस्तृत रूप से पाया जाता है, चाहे जीवित कोशिका हो, जंतु, पेड़ पौधे, हर जगह पर कार्बन पाया जाता है। यह कार्बन जो कोशिकाएं होती हैं, कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, वसा में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है, हर जगह का ये एक आवश्यक घटक होता है। कार्बन को ये देखा गया है कि ये तत्व के रूप में, मुक्त अवस्था के रूप में भी पाया जाता है, तत्वी रूप में भी पाया जाता है और कई जगह पर ये यौगिकों के रूप में, संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में ये प्रकृति में ग्रेफाइट के रूप में, हीरा के रूप में और कोयले में पाया जाता है। कार्बन का एक पूरा केमिस्ट्री है, कार्बन पर आधारित हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए जो यौगिक होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, या कार्बन कार्बन के बीच बंध बने हों ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। इसी तरह से कुछ अकार्बनिक यौगिक भी होते हैं, यानी इनको अकार्बनिक रसायन में इन्हें स्थान दिया गया है, जैसे कि कार्बन ब्लैक, कोक, ग्रेफाइट। कहीं कहीं पर इस कार्बन को हम कार्बोनेट के रूप में भी देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, ऐसे कई सारे ढेरों अकार्बनिक यौगिक हैं जिसमें कि कार्बन पाया जाता है। जैसा हमने देखा, कार्बन परिवार में जो कार्बन एवं सिलिकॉन है वे अधातु होते हैं, इसी तरह से जो जर्मेनियम है वो उपधातु है और टिन एवं लेड धात्विक प्रकृति के होते हैं। समूह 14 के जो तत्व हैं, इसमें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जब हम देखते हैं तो जैसा हमने देखा कि चूंकि ये पी ब्लॉक के सदस्य हैं तो इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो पी उपकोष में प्रवेश करता है। इनके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NS2NP2। तो यदि इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो जैसे कार्बन से स्टार्ट करते हैं तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, कार्बन 6, इसको यदि 2 इलेक्ट्रॉन को हीलियम से रिप्लेस कर देते हैं तो 2s2 2p2। सिलिकॉन 14 परमाणु क्रमांक होता है, इसमें से नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर देंगे 3s2 3p2। जर्मेनियम में 32 परमाणु क्रमांक होता है, जिसमें से 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन से रिप्लेस कर दिया गया, फिर 3d10 4s2 4p2। चूँकि यह जर्मेनियम 4th पीरियड का सदस्य होता है तो 4s2 4p2 हो गया। टिन SN, इसमें 50 है परमाणु क्रमांक, इसमें 36 इलेक्ट्रॉन को क्रिप्टॉन से रिप्लेस कर देते हैं, फिर 4d10 5s2 5p2। तो ये 5th आवर्त का सदस्य होता है। इसी तरह से लेड, लेड का परमाणु क्रमांक है 82, 82 में 54 इलेक्ट्रॉन को ज़ेनॉन से रिप्लेस कर देते हैं और 4f14 5d10 6s2 6p2। तो ये 6वें आवर्त का सदस्य होता है। तो इसमें हम यदि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसे देखते हैं तो जैसे यदि कार्बन को लेते हैं तो 2s2 2px1 और 2py1 होता है। जैसा हुन नियम में हम देखते हैं कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो यहाँ पर पी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2px1 और 2py1, 2pz जो है वो यहाँ पर खाली होता है। इस परिवार की जब हम प्राप्ति या उपलब्धता को देखते हैं तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे कार्बन से। तो कार्बन पूरे अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों में 17वां स्थान रखने वाला तत्व है। वायु में ये 0.03% पाया जाता है और यह माना जाता है कि कार्बन संसार का सबसे चंचल तत्व है। इसे हम चंचल तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, इन सब के साथ तो रिएक्ट होता ही है और इन सब से रिएक्ट होकर कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स बनाता है जो जीवित उत्कों में तो है ही, साथ ही साथ दवाइयों में भी,
प्लास्टिक जैसे उद्योग में भी कई सारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले जो पॉलीमर्स होते हैं उनमें भी ये कार्बन और इनके जो यौगिक होते हैं वो देखे जाते हैं। तो ये संसार का सबसे चंचल तत्व होता है। कार्बन के बहुत सारे समस्थानिक भी होते हैं, कई समस्थानिक के रूप में भी पाए जाते हैं। ये समस्थानिक आपको पता ही है, जैसे परमाणु क्रमांक समान होगा और इसमें परमाणु भार अलग अलग होता है। तो कार्बन के मुख्य रूप से दो समस्थानिक होते हैं, एक तो कार्बन 13 और कार्बन 12 तो होता ही है, एक और इसका समस्थानिक होता है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, कार्बन 14। तो कार्बन के तीन समस्थानिक कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो सब में परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार इसमें 12, 13 और 14। तो कार्बन 14 को बनाया जाता है नाइट्रोजन पर कॉस्मिक न्यूट्रॉन की बौछार कराकर। तो ये जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक इसका बनता है कार्बन 14, इसका प्रयोग रेडियो कार्बन अंकन में किया जाता है, जिसके द्वारा जीवाश्म की या पुराने जो अवशेष होते हैं उनकी आयु का पता करना होता है। तो वहाँ पर कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है, पुराने जो चट्टान होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उनकी आयु का पता करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। तो ये रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है। कार्बन 14 की जो अर्ध आयु होती है वो 5770 वर्ष होती है। और जैसा कि हमने इसमें देखा कि कार्बन 14 को बनाने के लिए नाइट्रोजन पर कॉस्मिक न्यूट्रॉन की बौछार कराई जाती है, तो इसका जो रिएक्शन है नाइट्रोजन 7 परमाणु क्रमांक और 14 इसका परमाणु भार, इस पे न्यूट्रॉन की बौछार कराई गई तो कार्बन 14 बना। और साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रोटॉन निकलता है H1O1, तो इसको हम प्रोटॉन के रूप में कह सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर न्यूट्रॉन की बौछार कराने पर नाइट्रोजन परिवर्तित होता है कार्बन 14 रेडियो एक्टिव समस्थानिक के रूप में। कार्बन कुछ खनिजों में भी पाया जाता है, जैसे कि मैलेकाइट खनिज जो है, डोलोमाइट, कैल्साइट, मैग्नेसाइट, कैलामाइन, ये सारे खनिजों में कार्बन पाया जाता है। यहाँ पर हम सभी के सूत्र भी देख लेते हैं। मैलेकाइट का सूत्र है CuCO3.CuOH2। इसी तरह से डोलोमाइट कैल्शियम कार्बोनेट .MgSCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, और मैग्नेसाइट जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 के रूप में, कैलामाइन ZnCO3 के रूप में पाया जाता है। जैसा हमने देखा कि कार्बन सभी जीवों में, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों, कई तरह के यौगिक उसके अंदर पाए जाते हैं कार्बन फॉर्म में। सिलिकॉन भूपरपटी पर या अर्थक्रस्ट में पाया जाने वाला दूसरा सदस्य होता है, लगभग 27% भाग इसका भूपरपटी पर होता है। सिलिकॉन के लिए ये कहा गया है कि सिलिकॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। सिलिकॉन प्रायः सिलिका सिलिकेट के रूप में पाया जाता है। कई सारे जो सिरेमिक होते हैं, कांच सीमेंट, इन सब में सिलिकॉन एक मुख्य घटक के रूप में देखा गया है। जर्मेनियम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, कई सारे अयस्क में ये होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं। जो कोयले की राख होती है उसमें ये 1% पाया जाता है। टिन एक ऐसा धातु है जो कि सिल्वरी वाइट मेटल होता है, और ये कैसिटेराइट SnO2 के रूप में प्रकृति में पाया जाता है। इसी तरह से लेड एक धातु है जो बहुत पॉइजनस भी होता है, और ये प्रकृति में गैलेना नाम के अयस्क के रूप में पाया जाता है, जिसका सूत्र है PbS। जर्मेनियम और सिलिकन का जो बहुत ही शुद्ध रूप होता है, इसका प्रयोग प्रायः ट्रांजिस्टर और अर्धचालक जितनी भी युक्तियां होती हैं उसको बनाने में किया जाता है। अब हम इस परिवार के जितने भी परमाण्विक एवं भौतिक गुण हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले इसमें परमाणु आकार की चर्चा होगी। परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या, इस पर बहुत सारे गुण बेस्ड होते हैं। तो परमाणु त्रिज्या यदि इस परिवार की देखी जाए और 13 ग्रुप से इसको तुलना किया जाए, तो 13 ग्रुप की तुलना में इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह उसी उपकोष में प्रवेश करता है।
अर्थात यदि हम बोरॉन से कार्बन को कंपेयर करते हैं तो बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2s2 2p1 है, जबकि कार्बन के लिए 2s2 2p2 है। तो ये दूसरे ही आवर्त में प्रवेश कर रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कोशों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ता जाता है। तो 13 और 14 ग्रुप की जब तुलना करते हैं परमाणु त्रिज्या के आधार पे, तो 14वें परिवार का जो परमाणु त्रिज्या का मान है वो 13वें परिवार की तुलना में कम होता है, क्योंकि कोशों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। इस परिवार में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे अर्थात वर्ग में जब हम देखेंगे, तो वर्ग में आप देखिए कि कोशों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जाती है। तो जब कोशों की संख्या में वृद्धि होगी तो यहाँ परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा। परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ने से नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का जो आकर्षण बल है वो कम हो जाता है, और इस तरह से परमाणु त्रिज्या का मान वर्ग में बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे हम कार्बन से सिलिकॉन तक जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, और सिलिकॉन से जैसे ही लेड तक जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या में थोड़ी मात्रा में ही वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी में और एफ उपकोश में प्रवेश करने लगते हैं। तो जो डी उपकोश होता है और एफ उपकोश होते हैं, इनके लिए परिरक्षण प्रभाव का मान बहुत ही दुर्बल होता है, अर्थात ये ठीक से परिरक्षित नहीं कर पाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में प्रवेश करते हैं तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का जो आकर्षण बल है वो यहाँ पर बढ़ जाता है, क्योंकि ये परिरक्षण ठीक से नहीं कर पाते हैं डी और एफ उपकोश। तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का आकर्षण बल कम होने के बजाय थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस वजह से जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी, कोशों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ उतनी वृद्धि यहाँ पर परमाणु त्रिज्या में नहीं दिखाई देती है। यह सिर्फ डी और एफ के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण होता है। इस परिवार में जब हम परमाणु त्रिज्या की तुलना करते हैं, यदि कार्बन के लिए पिकोमीटर में परमाणु त्रिज्या ली जाती है तो वो है 77, सिलिकॉन के लिए 118, जर्मेनियम के लिए 122। देखिए यहाँ पर सिलिकॉन 118, जर्मेनियम 122, बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ दिखाई नहीं देता है। इसके बाद है टिन, टिन के लिए है 140, जबकि लेड के लिए 146। तो यहाँ टिन और लेड में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देता है। तो ये दोनों में जो कम अंतर दिखाई देता है परमाणु त्रिज्या में, ये डी और एफ में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। इसके बाद हम देखेंगे आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी जहाँ पर हम किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो होती है आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। तो जैसा कि 13 ग्रुप से हमने इसको कंपेयर किया, तो 13 ग्रुप की तुलना में इसका जो परमाणु त्रिज्या का मान है वो कम होता है, तो 13 ग्रुप की तुलना में इसकी आयनन ऊर्जा का मान भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आकार कम है। तो ये तो हुई 13 ग्रुप से तुलना करने की बात, लेकिन अपने ही परिवार में जब हम ऊपर से नीचे इसे देखेंगे तो यहाँ पर आयनन ऊर्जा के मान में कमी होगी, लेकिन ये कमी इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि इस परिवार में परमाणु त्रिज्या में भी उस तरीके से वृद्धि नहीं हो रही है, क्योंकि डी और एफ में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो डी और एफ में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण जो आयनन एंथैल्पी का मान जितना कम होना चाहिए था उस तरीके से कम नहीं होता है। तो यहाँ जब हम मान को कंपेयर करते हैं, तो जब इसके प्रथम आयनन एंथैल्पी को देखते हैं तो कार्बन के लिए 1086 किलो जूल पर मोल में लिया गया है, सिलिकॉन के लिए 786 किलो जूल प्रति मोल, जर्मेनियम के लिए 761 किलो जूल प्रति मोल, टिन के लिए 708 किलो जूल प्रति मोल और लेड के लिए 715 किलो जूल प्रति मोल। तो यहाँ पर आप देखिए कि टिन और लेड में जो आयनन ऊर्जा है उसमें धीरे धीरे ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा के मान में कमी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि आयनन ऊर्जा के मान में वृद्धि हो गई। तो ये वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर अचानक से इलेक्ट्रॉन एफ में भरने लगते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन जब एफ में भरने लगता है तो नाभिक
और बाह्यतम कोश के बीच का आकर्षण बल थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि बीच के जो कोश हैं उसका जो स्क्रीनिंग प्रभाव है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच के आकर्षण बल में वृद्धि होने के कारण जो आयनन एंथैल्पी का मान है लेड के लिए वो थोड़ी अधिक दिखाई देने लगती है। इसी तरह से जब हम देखते हैं सिलिकॉन से जर्मेनियम तक जब आते हैं तो सिलिकॉन के लिए जो आयनन एंथैल्पी का मान है वो 786 है और जर्मेनियम के लिए 761 है। तो यहाँ भी जब जर्मेनियम में आते हैं तो जो आयनन एंथैल्पी का मान और कम होना चाहिए था तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जर्मेनियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो डी उपकोश में प्रवेश करने लगता है और डी उपकोश में प्रवेश करने के कारण यहाँ पर दुर्बल परिरक्षण प्रभाव दिखाई देने लगता है। तो इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान बहुत ज़्यादा कम नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अंतर नहीं दिखाई देता है सिलिकॉन और जर्मेनियम के आयनन एंथैल्पी के बीच में। यहाँ पर जो कार्बन है वो अपने परिवार का एक ऐसा सदस्य है जिसकी आयनन एंथैल्पी का मान सबसे ज़्यादा होता है, बहुत उच्च होता है। इसका कारण ये है कि ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। ऐसे भी यदि हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु आकार में कमी होती जाती है। तो इस तरह से तो कमी हो ही रही है और अपने परिवार का भी ये सबसे छोटा सदस्य है, तो इस तरह से इसकी आयनन ऊर्जा का मान सबसे ज़्यादा होता है। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता अर्थात साझेदारी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो ऋण विद्युता का मान है जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो जैसा कि परमाणु त्रिज्या का मान है वो बढ़ता जाता है क्योंकि परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ रहा है। लेकिन हमने देखा कि परिरक्षण प्रभाव के इफ़ेक्ट के कारण डी और एफ में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के कारण परिरक्षण प्रभाव यहाँ पर थोड़ा दुर्बल पड़ जाता है। परमाणु त्रिज्या में भी जो वृद्धि है वो उस तरीके से यहाँ दिखाई नहीं देती है। तो ऋण विद्युता में ऊपर से नीचे आने पर जनरली वर्ग में कमी होती है क्योंकि परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। तो इस परिवार में चूँकि परमाणु त्रिज्या में उस तरीके से वृद्धि नहीं है इसलिए जो ऋण विद्युता का मान है वो भी लगभग लगभग बराबर ही देखने को मिलता है। कार्बन के अलावा सभी में कार्बन की ऋण विद्युता उच्च है क्योंकि कार्बन अपने परिवार का सबसे छोटा सदस्य होता है। तो कार्बन के लिए ऋण विद्युता का मान 2.5, इसी तरह सिलिकॉन 1.8, जर्मेनियम 1.8, टिन भी 1.8 और लेड का 1.9। क्यों लेड का 1.9 हो गया यहाँ पर? क्योंकि लेड में हमने देखा कि जो F में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं इस वजह से जो त्रिज्या का मान है, परमाणु त्रिज्या का मान है वो थोड़ा सा कम होता है और इस वजह से ऋण विद्युता का मान थोड़ा बढ़ जाएगा। और बाकी सभी सदस्यों में हमने देखा कि लगभग समान ऋण विद्युता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जर्मेनियम है, टिन है, उसमें N-1d में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स है और जो लेड है उसमें N-2f में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसकी ऋण विद्युता में जो कम अंतर दिखाई देता है या लगभग समान मान है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण या इन्हीं उपकोशों में N-1d उपकोश और N-2f उपकोश में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के प्रभाव के कारण होता है। अब हम इस परिवार के जो कुछ भौतिक गुण हैं उसकी चर्चा करेंगे। इस परिवार में हमने देखा कि जितने भी तत्व हैं कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सभी ठोस रूप में होते हैं और इसमें से अधातु कार्बन और सिलिकॉन है, उपधातु जर्मेनियम है, टिन और लेड यहाँ पर धातु होते हैं। 13वें परिवार की तुलना में जो 14वां परिवार है इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च मापा गया है क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है 13 परिवार और 14 परिवार की तुलना करने पर, तो इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक का मान भी उनकी तुलना में 13वें परिवार की तुलना में इसके गलनांक और क्वथनांक का मान उच्च होता है। यहाँ पर देखिए कार्बन के लिए 4373 गलनांक है, सिलिकॉन के लिए 1693, जर्मेनियम के लिए 1218, टिन के लिए 505 और लेड के लिए
600 केल्विन होता है। तो ये सारे इसके गलनांक का मान है, लेकिन अपने ही सदस्य में, जैसे अपने ही परिवार में जब जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आप देखिए कि गलनांक का मान भी कम होता जाता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। इसी तरह से कार्बन परिवार का जो क्वथनांक है, इसमें कार्बन के लिए क्वथनांक की वैल्यू नहीं दी हुई है। सिलिकॉन के लिए है 3550 केल्विन, जर्मेनियम के लिए 3123 केल्विन, और टिन के लिए है 2896 केल्विन, लेड के लिए 2024 केल्विन होता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जब इस परिवार में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्वथनांक का मान घटता जाता है, क्योंकि यहाँ भी परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। अब हम इस परिवार के कुछ रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। तो जो रासायनिक गुण होते हैं उसको पढ़ने से पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एक बार पुनः देखेंगे। इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2 NP2 होता है। यहाँ पे देखिए NS में 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और NPX1 NPY1 और NPZ में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। यदि NS से 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर Z में चला जाता है तो यहाँ 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। पहले हमने देखा कि 2 अयुग्मित है और जब यहाँ से उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है, अब यहाँ पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। तो इस तरह यदि हम इसे देखें तो ये +2 और +4 दो प्रकार से ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकते हैं, अर्थात ये दो प्रकार से यौगिक बना सकते हैं। तो जब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो यहाँ पर सभी चारों बंध बनाते हैं, तो यहाँ सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। कार्बन में चूंकि अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दान करने की या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इसमें कम देखी गई है। इसमें ये प्रवृत्ति ज़्यादा होती है कि ये साझा करके अपने अष्टक को पूरा करें। तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में करने के लिए इसकी प्रवृत्ति साझेदारी की होती है, इसलिए ये कोवेलेंट कंपाउंड या सहसंयोजी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा रखते हैं। कार्बन में देखा गया है कि कार्बन ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। इस परिवार में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्थायी हो जाती है। जब हम 13वां परिवार पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने देखा था अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसमें हमने देखा था कि जो भारी सदस्य होते हैं पी ब्लॉक के, उसमें NS के 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, अक्रिय जोड़े की तरह कार्य करने लगते हैं। तो यहाँ पर भी टिन और लेड के अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप देखेंगे तो टिन के लिए जैसे 4d10 5s2 5p2 है, तो यहाँ पर जो 5s के 2 इलेक्ट्रॉन है वो अक्रिय जोड़े की तरह कार्य करेंगे। इसी तरह से लेड में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो 4f14 फिर 5f10 6s2 6p2, तो यहाँ 6s के 2 इलेक्ट्रॉन अक्रिय जोड़े की तरह कार्य करने लगते हैं। तो ये दोनों यहाँ अक्रिय जोड़े की तरह कार्य करने लगते हैं। तो इन सदस्यों में जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्थायी होते हैं +4 की तुलना में। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल हम देख लेंगे, जैसे जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम +2 और टिन +2, तो ये प्रबल अपचायक होते हैं और अपचयन के दौरान ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जर्मेनियम यदि 2+ है और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जर्मेनियम 4+ बनता है, और समूह 14 के जितने भी तत्व हैं उसको हमने देखा कि इनमें 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की या 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता नहीं होती है, बल्कि 4 इलेक्ट्रॉन ले करके साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इसमें जो कार्बन है, सिलिकॉन है, इसमें देखा गया है कि ये चारों इलेक्ट्रॉन का, चारों जो इसके अयुग्मित संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं इसका उपयोग करते हैं और प्रायः ये सहसंयोजी प्रकृति वाले यौगिक ही बनाते हैं। लेकिन जो टिन और लेड हैं ये विद्युत संयोजी या आयनिक यौगिक बनाते हैं, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि
प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्थायी होती है। जैसा कि टिन है तो टिन Sn2+, इसमें से यदि दो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो Sn4+ बनता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया हो रही है, इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया हो रही है अर्थात यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये Sn2+ जो है वो कम स्थायी होता है और अच्छा अपचायक है, लेकिन Sn4+ दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये अधिक स्थायी हो गया। लेकिन लेड 4+ दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो जब दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये Pb2+ में कन्वर्ट हुआ, तो ये ज़्यादा स्थायी होगा Pb4+ की तुलना में। तो Pb4+ की स्थिति में ये ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करते हैं, मतलब यहाँ 4+ दो इलेक्ट्रॉन लेकर Pb2+ में कन्वर्ट हो गया।